हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग फोलियो में। आज हम लोग बात करेंगे अमर राजा बैटरीज के एनुअल रिजल्ट्स के बारे में, और हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा 2018-19 में जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का फोरकास्ट क्या था, और इस कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी आई है 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर्स में। इसके बेसिस पे 2020 में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट, ईपीएस, ये सब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि निवेशकों के लिए आगे क्या ऑप्शंस हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस कंपनी में बने रहना चाहिए या फिर इससे निकल जाना चाहिए। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अमर राजा लिमिटेड एक बैटरी क्षेत्र की बहुत ही बढ़िया दिग्गज कंपनी है। अपने क्षेत्र की सबसे बढ़िया नेट प्रॉफिट मार्जिन की ये कंपनी है। इस कंपनी के डिटेल एनालिसिस के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके एनुअल रिजल्ट की। इसने जो एनुअल रिजल्ट पोस्ट किया है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये रेवेन्यू में 10% का ग्रोथ और प्रॉफिट में एटलीस्ट 5% का ग्रोथ पोस्ट करेगी। इसके हिस्ट्री के बेसिस पे एनालाइज करके मैंने ये फोरकास्ट किया था, पर अब इसने जो पोस्ट किया है वो 9% का रेवेन्यू ग्रोथ इसने पोस्ट किया है, और प्रॉफिट में इसने 2.6% का प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है। ईपीएस जो है वो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 28.96% का इसका ईपीएस रहेगा, जबकि इसने एक्चुअल जो ईपीएस पोस्ट किया है वो 28.31 का ईपीएस इसने पोस्ट किया है। तो हमारा ईपीएस टारगेट मार्जिनली 2.2% से थोड़ा सा मिस हुआ है, और इसी के बेसिस पे मैं अगले साल के लिए 2020 के लिए मैं इसका जो ग्रोथ का ग्रोथ जो है वो मैं थोड़ा सा इसका परसेंटेज घटा रही हूँ, और मुझे अब उम्मीद है ये लगभग 7% से इसको ग्रोथ करना चाहिए 2020 में, और 3% से इसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है, और हम देख सकते हैं कि अभी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें अभी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, स्लो डाउन है वो इंडस्ट्री, तो वो अमर राजा बैटरी के भी बिजनेस को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है। तो हालांकि ये नंबर चेंज हो सकते हैं आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे, हम देखेंगे कि इसके परफॉर्मेंस के नंबर्स कैसे आते हैं, तब हम ज़्यादा प्रिसाइसली इसके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसका ईपीएस 2020 में 28.4 का रह सकता है। तो अब बात करते हैं कि निवेशकों को क्या करना चाहिए इस कंपनी में। तो अपने क्षेत्र की ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू भी अच्छा ही बढ़ रहा है, तो इस कंपनी में आप निश्चित तौर पर बने रह सकते हैं। मैंने अपने डिटेल एनालिसिस के वीडियो में इसकी जो बाइंग रेंज बताई थी ये अभी लगभग उसी प्राइस पे उपलब्ध है, तो इसमें आप निश्चित तौर पर SIP तो जरूर कर सकते हैं। 650 के आसपास की रेंज एक बढ़िया रेंज कह सकते हैं हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और इसमें हम जरूर बने रह सकते हैं। आने वाले जब टर्न अराउंड आएगा ऑटो की जो इंडस्ट्री है उसमें, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, सोलर की जो डिमांड बढ़ रही है हमारे देश में, और जो रेलवे और इंडस्ट्रियल, ये सारी जगह पे बैटरीज का यूज होता है, तो टर्न अराउंड आने पर इस कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और कमेंट सेक्शन में भी हमें इसके बारे में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।